Hi everyone, welcome to another video. So guys, this video is all about my 5-day 4-night trip to Bali. We are very excited for our trip because after waiting for a long time, now we are able to go to Bali, which is our favorite and dream destination. क्लियर पहुँचने के बाद मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई पूछे क्योंकि वहाँ पे खुला है टेस्ट ऑफ इंडिया जो कि पहला इंडियन फूड काउंटर है एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड थी बिकॉज मैं जितनी बार भी एयरपोर्ट गई वहाँ पे कुछ खाने को नहीं होता था स्पेशली वेजिटेरियन सो ये खुलने के बाद मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ी और मैंने लिया क्विक स्नैक्स वड़ा एंड समोसा उसके बाद हमने वेट किया अपनी बोर्डिंग के लिए और हम फिर फ्लाइट में बोर्ड कर गए हैं उसके बाद हमें मिली ये वेज हैदराबादी बिरयानी जो कि ओकेज थी मुझे पहले एयर एशिया की हैदराबादी बिरयानी बहुत ही पसंद थी बट अभी ठीक ठीक थी फिर 3 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुँचे बाली लैंड करने के बाद हम जल्दी जल्दी भाग के वीज़ा काउंटर पे एंड वहाँ पे हमने लिया वीज़ा जो कि बहुत ही जल्दी हो गया था बट इमिग्रेशन काउंटर पे बहुत ही लंबी क्यू थी वी वेटेड ऑलमोस्ट 1.5 आवर देयर एंड क्लियरेंस के बाद हम पहुँचे कस्टम डिक्लेरेशन काउंटर जहाँ पे हमको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना था कस्टम डिक्लेरेशन करना था जिसमें वो इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत आपकी रेसिडेंस एंड कितने नंबर ऑफ लगेजेस यू हैव सो ये सब फिल करने के बाद हम निकले बाहर टैक्सी में बैठने के बाद हम निकल गए थे अपने होटल के लिए और दिन पसार एयरपोर्ट से हमारा जो होम स्टे था वो ऑलमोस्ट 41 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में था एंड हमको 2 घंटे लग गए अपने होटल आते आते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था एवरीवन गुड मॉर्निंग सो दिस इज़ डे 1 इन बाली एंड सुबह उठते ही इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी मुझे उस जगह से इतना अच्छा लग रहा था कि जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल गए बाहर एंड थोड़ी रोड एक्सप्लोर किया एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कहाँ पे हमें अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट करना है बाली का सो ढूंढते ढूंढते हम पहुँच गए थे सयूरी हीलिंग फूड कैफ़े जहाँ पे वीगन एंड वेजिटेरियन फूड सर्व करते हैं एंड मैं बहुत ही खुश होती हूँ वीगन रेस्टोरेंट देख के क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं खाने के लिए वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए थे उलुन नानू बेरातन टेम्पल जो कि हमारे होम स्टे से 1.5 आवर्स के डिस्टेंस में था सो 9:30 बजे हम निकल गए थे ऑलमोस्ट 11 o'clock पे हम वहाँ पहुँच गए थे सो टैक्सी हमने ऑलरेडी बुक कर रखी थी 2 दिनों के लिए सो हमारे लिए वो हेक्टिक सिचुएशन नहीं थी एंड हम टाइम पर हर जगह निकल जाते थे
Bulan Danu is a Hindu temple in Bali, Indonesia. The temple complex is on the shore of the lake Beratan. That's why they call Bulan Danu Beratan Temple. Because they don't have beach, they come to the lake. Report all the activity with the spirit here who dedicate for the Vishnu and Ganga. Yeah. We are also Hindu. Yeah, Hindu. Gujarat, yeah. In, India, Uttar Pradesh. Some people from Europe. Okay, nice to meet you. They can drop you there, and the entrance ticket is quite expensive but worth it. We headed towards Tanalot Temple, which is famous for its beauty as well as its place in Balinese spiritual life.
dance in Thana Lord temple. They perform every day in temple around 6 to 7 o'clock in the evening. Maybe you know, Brook Hill. Oh my God, you did not. Very happy, that one. Come on.